हे गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। सो गाइस, बीइंग एन एक्टर आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिधर आप अपनी ओपिनियन शेयर करते हो। ये ओपिनियंस मिलियंस लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है, और यही हुआ करीना कपूर खान के साथ। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में करीना कपूर खान ने बात की कि उन्होंने सैफ से शादी करने का डिसीजन 2012 में लिया, जब उनका बॉलीवुड करियर पीक पर था, और काफी लोगों ने उनको बोला था कि अभी शादी मत करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने उनसे शादी की और मैंने ये शादी की, और अभी सबको लगता है कि ये कूल है और अब सभी शादी कर रहे हैं, नाउ इट्स फाइन। ये सब करीना कपूर खान ने एक इंटरव्यू में जब बोला, तब लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया कि करीना कपूर खान से भी पहले काफी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल थी, और जिनमें से मेन नाम आते हैं काजोल, ऐश्वर्या राय बच्चन। इनका भी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद करियर बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन करीना कपूर खान सारा क्रेडिट खुद को ही दे रही हैं, और काफी लोग उन्हें बोल रहे हैं कि वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। काफी लोगों का मानना है कि सक्सेसफुल होना सिर्फ ऑडियंस के हाथ में है, अगर वो क्रेडिट देना चाहते हैं अपने को ना दें, ऑडियंस को दें, अपने फैंस को दें जो उन्हें अभी भी इतना पसंद कर रहे हैं। सो गाइज, आप तो जानते हो करीना कपूर खान बहुत ज्यादा आउटस्पोकन रही है, और यही आउटस्पोकन की आदत कई बार उन पर बैकफायर भी होती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है जरूर बताना, अपने व्यूज जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड स्टे सेफ। बाय बाय।